वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। आज के सिनारियों में हम देखेंगे 75 वो प्रश्न जनरल नॉलेज से। जी हाँ, यहाँ पे साइंस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि इन 75 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपका ये टेस्ट है 75 क्वेश्चन का। आप उत्तर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। तो चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को और देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे सही उत्तर करके जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं टाइमिंग थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अब सुबह के 6 बजे आपका डेली करेंट अफेयर दिया जा रहा है। ठीक है, डेली करेंट अफेयर, उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा विथ डिस्क्रिप्शन। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें सुबह के 6 बजे। ये देख सकते हैं आज का ये वीडियो यहाँ पे दे दिया गया है। और जो 10 बजे आपको क्लास दी जाती थी यहाँ पे, उसको स्टैटिक जीके का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, टाइम तो स्टैटिक जीके का पार्ट यहाँ पे आपको साइंस से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके जीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और कुछ करेंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना। शाम को आपको 8 बजे या 7 बजे, माफ कीजिएगा, शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे हर दिन आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे बिहार दरोगा की एग्जाम दे रहे हो या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसके नज़र से रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखेंगे। चलिए अब लगाते हैं इस टेस्ट को। आज का पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? आंसर कीजिएगा जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, जो कि बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे, तो पावापुरी, जिनका भी उत्तर आ रहा है डी, यहाँ पे पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, और महावीर का जन्म 540 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट हुआ था। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गुप्तकाल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? प्राधिकार किसके पास था? चलिए तो आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे, गुप्तकाल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास हुआ करता था। आंसर डी कर लेंगे यहाँ पे, जिनका भी उत्तर डी आ रहा है। देखिए, गुप्तकाल में महादंड नायक न्यायिक विभाग के प्रभारी हुआ करते थे, और राजतंत्र में राजा सभी शक्तियों का स्रोत होता है, यानी कि उन्हीं के जरिए जो भी चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं या आदेश दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जैन परम्परा या फिर जैन धर्म की बात कर लें अनुसार कौन सा अंतिम में से एक पहले तीर्थकर माने जाते हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर करेंगे जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ अंतिम तीर्थकर से एक पहले के माने जाते हैं। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर थे, ये याद रखेंगे आप लोग, और पार्श्वनाथ 23वें थे, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट्स अ पार्श्वनाथ, ओके, 23वें, ओके, और आखिरी थे 24वें महावीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? श्रीनगर आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है, तो ये किस स्रोत के अनुसार यह बताया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे कि कलहण की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। कलहण में राजतरंगिणी पुस्तक है, ठीक है, जो कि 1149 में, लिख लीजिएगा ये, नोट कर लीजिएगा इसको, 1149 में लिखी गई थी ये कलहण की राजतरंगिणी, ये पुस्तक है, इसके जरिए पता चलता है। चलिए आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म है ना, जैन धर्म है, जैन धर्म है ये, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? बिल्कुल, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा किया गया था, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया था, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, किसका? तो महाभारत के ग्रंथ को, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस फारसी संस्करण को रजनामा कहते हैं। क्या? रजनामा, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए, ए ओ ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका में निभाया गया था,
ये बनाया गया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ए ओ ह्यूम, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और ए ओ ह्यूम जो थे लगभग 20 साल तक भारत का महासचिव भी रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, क्योंकि कारण बताइए क्यों इसको निलंबित कर दिया था उन्होंने, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि यह एकांक हिंसात्मक हो चुका था। जी हाँ, अगर हम बात करें 1 अगस्त 1920 की तो असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो हुआ, जिसमें कि हिंसात्मक कुछ घटनाएं हुई, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, चौरी चौरा कांड, ठीक है, हिंसात्मक हो चुका था ये, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, उत्तर करेंगे दोस्तों इनकलाब का नारा जो दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। 1926 की बात करें तो भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भी कर चुके थे, और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ बताया कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, शकुंतलम किसने लिखी थी, ये एक पुस्तक है बहुत फेमस है, शकुंतलम जो है दोस्तों कालिदास की लेखक है, ये कालिदास का लिखा हुआ है, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के सबसे महत्वपूर्ण नाटक भी हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, फटाफट आंसर करेंगे, आंसर करते समय ध्यान रखिएगा, आप अपने उत्तर भी जरूर हमें लिखिए, बताइएगा कितने उत्तर आपने सही किए हैं। आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष से में हस्ताक्षरित हुआ था, चलिए 13 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 में, आप याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा, ये 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था, ओके। चलिए, देश बंधु किसे कहा जाता है, चलिए देश बंधु कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे, चितरंजन दास को कहा जाता है। चितरंजन दास जो थे ये पेशे से एक वकील हुआ करते थे, और खुदीराम बोस जो थे उनको फांसी से बचाने का प्रयास करने वाले वो एक वकील थे, और पंडित नेहरू, जी हाँ पंडित मोतीलाल नेहरू की बात कर की जाए तो उनके साथ ये स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे सी आर दास, जी हाँ चितरंजन दास, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असम की प्राचीन नाम क्या है, असम का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा कामरूप, जी हाँ असम का प्राचीन नाम क्या था, तो कामरूप था, जिसकी राजधानी कमतापुर थी, कहाँ थी, कमतापुर। असम में अहोम वंश की काफी प्रसिद्ध वंश थे हुए, और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है ये याद रखिएगा कामरूप। अगला क्वेश्चन, समुद्री हवाएं चलती हैं, सी ब्रिजेस, नोट कर लीजिएगा, समुद्री हवाएं दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, याद रखिएगा समुद्र से थल की ओर, यानी कि स्थल की ओर चलती हैं, ओके आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, इसमें इनमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अब देखिए आंसर करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का, जी हाँ भूमध्य रेखा से सबसे बड़ा वृत्त बनता है, किससे, भूमध्य रेखा से सबसे बड़ा वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, याद रखेंगे ध्रुव की ओर बढ़ने वाला वृत्त अपेक्षाकृत छोटा होता है, होता जाता है, और विषुवत रेखा की तरफ दोनों गोलार्ध की क्रमशः उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में बांटा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सका, आंसर करेंगे दोस्तों रेडियो प्रसारण आयन मंडल के चलते ये सफल हो पाया है, आंसर सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है, जाड़े से गर्मी तक के फसल ऋतु को हम लोग कहते हैं रबी फसलें, ओके याद रखिएगा दोस्तों रबी फसलें कहते हैं इनको, आंसर सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, भारत के सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे भारत का, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है डिगबोई, नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल आपके उत्तर सही आ रहे हैं। और खनिज तेल सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1859 ईस्वी में यूएसए में निकाला गया था, यूएसए से निकाला गया था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है,
बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी हम लोग जानते हैं नाम से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी सन 1970 ईस्वी में, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तीन चरण में हुए थे ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, सफल अभियान रहा था ऑपरेशन फ्लड का। ओके, श्वेत क्रांति भी इसी दशक में आई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों फटाफट, यहाँ पे टेस्ट का उत्तर करके जाइएगा। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होते हैं सुंदर वन में, आंसर हमारा ए कर लीजिएगा। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान भी माना जाता है। सुंदर वन जो है वो डेल्टा बनाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग उसमें लोहे के कारण बनता है। जी हाँ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना हुआ था दोस्तों जमशेदपुर, जो कि टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, JRD टाटा। जी हाँ, जमशेद जी टाटा द्वारा ये 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी के द्वारा स्थापना की गई। 1913 में इस्पात का उत्पादन भी शुरू हो चुका था। ये झारखंड में आता है दोस्तों टाटा जमशेदपुर जो है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का मुख्य खाद्यान्न है फसल चावल। ओके, आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध पर वर्ष में कम एक बार दिन जो है या रात जो है वो 24 घंटे की अवधि का होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा परिक्रमण सूर्य का किया जाता है जिस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी जो है अपनी घूर्णन की गति के कारण दिन और रात करता है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? चलिए उत्तर करेंगे, भारत के झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। आंसर कर लीजिएगा हमारा यहाँ पे बी, इन चार ऑप्शन में। और याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक समृद्धि क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है और भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना युग से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पश्चिमी घाट को किस नाम से और पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंसर हमारा सी कर लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है अब यहाँ पे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिंह, नोट कर लीजिएगा। ये सचिदानंद सिन्हा जो थे, माफ कीजिएगा सिंह बोल दिया मैंने, ये जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हुआ करते थे और 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत के संविधान को संविधान सभा के प्रथम जनता के प्रतिनिधित्व ने अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, आंसर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने के में संविधान सभा में समय लिया, कितना समय लिया था संविधान बनने में? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता अक्सर एग्जाम में, 5 साल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं? तो राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आंसर हमारा सी कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि कौन लोकसभा को उसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे,
राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु माफ कीजिए लोकसभा के उसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ओके माफ कीजिएगा, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा राज्यसभा स्थायी सदन होता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा होता है, राज्यसभा राज्यों के हित के संबंध में सभा होता है, इसको कोई नहीं भंग कर सकता, आंसर डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 352 के तहत अंतर्गत आपातकाल में भी जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, यानी कि आप ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप जी ही ना सको, है ना, ये प्रावधान नहीं किया गया है, जीवन का अधिकार दिया गया है जीने के लिए 352 आर्टिकल को लगाने के बाद भी मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने। मौलिक अधिकार यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति निलंबित हेतु आदेश जारी करते हैं तो, ठीक है, आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्व का वर्णन है, तो ये है दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इसको नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है, और ये भाग कौन सा है, तो चौथा, याद रखिएगा आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित किया जाता है, तो ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार के अधिकार को दिया जाता है, 7 प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 19 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान में कौन से संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से जोड़े जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 1976 में हुआ था 42वां संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्यों के जोड़े गए थे यहाँ पे, ओके 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ओके आंसर 1976 याद रखिएगा आप लोग, ये आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो अब भाग पूछा गया यहाँ पे, तो भाग 3 याद रखिएगा मौलिक अधिकार को बताया गया है जिसमें कि 7 मूल संविधान में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका कम से कम 30 साल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि सामान्यतः तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, चलिए साइंस का क्वेश्चन आ चुका है अब आपके लिए यहाँ पे, आंसर करेंगे दोस्तों कि सामान्य तौर पे जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ओके आंसर ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि यदि 2 प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, तो यदि 2 प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध कम हो जाएगा, आंसर बी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि मोटर रूपांतरित करता है, चलिए आंसर कीजिएगा, मोटर रूपांतरित करता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कैसे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, ओके आंसर सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत चुंबक किस में उपयोग होता है, विद्युत चुंबक उपयोग सभी में उपयोग होता है, तो आंसर ए बी और सी कर लीजिएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है, तो सभी बैटरी बार बार चार्ज हो सकती है, आंसर डी कर लीजिएगा, लेड एसिड निकिल और लिथियम सभी बार बार चार्ज कर सकते हैं हम लोग। एक प्रबंधक यंत्र आने वाले संकेत पर कौन सा कार्य करता है, देखिए प्रबंधक यंत्र यानी कि एम्पलीफायर की बात हो रही है यहाँ पे, आंसर ध्यान से दीजिएगा, तो एक एम्पलीफायर आने वाले संकेत पर आयाम को बढ़ाया जा सकता है, क्या, आयाम को बढ़ाता है, ओके आंसर बी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है,
आंसर कीजिएगा दोस्तों, उस समताप मंडल जो है हमारा में ओजोन परतें हमको मिल जाती हैं, जिसका 60 से लेकर 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि, क्यों क्यों झुका रहता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, ठीक है, और उसको ऊर्जा मिल सके। आंसर डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की तरफ लेता है, ऐसे उसे चोट लगने से बचाता है, यह क्यों होता है, किस नियम के अनुसार होता है? ऐसा चोट लगने से बचता है क्योंकि यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। आंसर बी कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि कणों को इसकी किसी भी समूह या निकाय पर किसी बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवेग की नियत रहता है, और संवेग को संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि इसका थ्योरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SI पद्धति का तापक्रम का मात्रक क्या है? SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक पूछा गया है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, बिल्कुल केल्विन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे एक MAU यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य कितने का होता है? चलिए आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे 1.6735 × 10⁻²-24, ठीक, याद रखिएगा, ये 24 वाला है, ये माइनस टू दी पावर है 24, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यार आप लोग, अगर क्यूज अटेंड कर रहे हैं तो, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक हम पहुँचा सके अपने इस चैनल के माध्यम से। तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है दोस्तों, जी हाँ, मिथेन। ओके, आंसर ए कर लेंगे हम यहाँ पे, जी हाँ, 65% मिथेन पाए जाते हैं यहाँ पे, 65%। ओके, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर होती है? तो किसी तत्व के परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों? तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा से, जो बारिशें होती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो आप वायु पॉल्यूशन जो होता है ना, वायु प्रदूषण जो होता है, उसके चलते जो कोई अम्लीय वर्षा अगर होती है तो वो घातक होगा, लेकिन अगर जो नेचुरली जैसे कि मौसम के अनुसार वर्षाएं होती हैं, उस समय जो बारिश की बूंदें आती हैं वो सबसे साफ पानी होता है, सबसे स्वच्छ जल होता है। अगला क्वेश्चन है, H2S ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा? चलिए, H2S ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण कोणीय तथा अशून्य होगा, क्या होगा? अशून्य होगा, आंसर ए करेंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नवाचार यानी कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस भुगतान प्रणाली की अधिकृत करने के दिशा निर्देश दिए जारी किए हैं? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, आंसर करेंगे दोस्तों, देखिए बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑन टैप, नोट कर लीजिएगा, ए ऑन टैप, है ना, ONTAP ऑन टैप, ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए देश से डॉक्टर BIhar नवोदमय योजना शुरुआत की है? तो BR नवोदमय ये योजना शुरू की गई दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंसर डी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है दोस्तों अमरावती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 50वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल आंसर करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे डी, गोवा, गोवा की राजधानी होती है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ब्रिजिटल नेशनल नेशन पुस्तक का विमोचन किया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रिजिटल, ठीक है, नेशन, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है दोस्तों, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों बीना ठाकुर और चित्र मुगदल के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे,
यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत सर्वाधिक मामलों में किस देश में दर्ज की गई है? तो आंसर कीजिएगा ए, भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, कैल्शियम की कमी होने वाला एक रोग। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा रिकेटस रोग होता है। ठीक है, आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह जीव जिसमें कि हरित कवक पाए जाते हैं वह क्या होते हैं? तो ये हरित कवक जो होते हैं दोस्तों, ये जीव जिसमें कि हरित कवक पाया जाता है, ये युगलीना। आंसर क्या करिएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सुरक्षित भंडारण हेतु खादानों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सुरक्षित भंडारण हेतु जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो 14% ही होनी चाहिए, है ना, याद रखिएगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक विषाणु जन्य रोग नहीं है। बिल्कुल, लेथेरिज्म, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये एक विषाणुजन्य रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रेट युक्त जल में किसकी वृद्धि तेजी से होती है? बिल्कुल, नाइट्रेट युक्त जल में शैवाल की वृद्धि तेजी से होती है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा रोग कुकुट पक्षी के जीवाणु जन्य रोग होता है? तो हैजा होता है, याद रखिएगा, कॉलरा जिसको कहते हैं, आंसर बी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि पौधे की वृद्धि के वृहत पोषक तत्व हैं। तो पौधे की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व हैं वो तांबा होता है, याद रखिएगा, आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति में कारण होता है? बिल्कुल, कैरोटीन की उपस्थिति के चलते, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आपका उत्तर अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, बीजों की अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे उसको ठंडे और नम अवस्था में रखकर, ठंडे और नम अवस्था में, आंसर बी कर लेंगे यहाँ पे। और दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों का, जी हाँ मांसाहारियों का, ठीक है, आंसर ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, स्मॉल इंस्टाइन जो होता है सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होता है? तो जो मांसाहारी जीव होते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियों में आपको हमने 75 क्वेश्चन कराए, आपके कितने उत्तर सही हुए ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और रोज़ शाम को 7 बजे ये क्यूज़ आपके लिए अपडेट किया जाता है, तो इस क्यूज़ को अटेंड करें, चाहे आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, RRB, NTPC, रेलवे, बैंकिंग या फिर SSC, तो आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। तो रोज़ अटेंड करें, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में, और रोज़ सुबह 6 बजे मिलते हैं आपसे करेंट अफेयर की क्लास में। ओके।